कैसे हैं आप सब लोग। आज मनीष शर्मा से आने वाली 15 बड़ी बिग बजट पैन इंडिया फिल्मों के बारे में बात करने वाले हैं। जो फिल्में पैन इंडिया स्केल पर रिलीज होने वाली है, KGF, RRR और पुष्पा की तरह, और इस लिस्ट की हर फिल्में काफी बड़ी होने वाली है और कुछ फिल्में तो बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रचने वाली है। तो गलती से भी एक भी फिल्में मिस मत कीजिएगा। तो चलिए लाइक का बटन दबा दीजिए, शुरू करते हैं। वैसे मैंने इस लिस्ट में PS1 फिल्म को ऐड नहीं किया है क्योंकि PS1 फिल्म जल्दी आने वाली है और इस फिल्म के बारे में आप सभी को बताएं, इसलिए इस फिल्म को ऐड नहीं किया है, इसके लिए सॉरी। नंबर 50 प्लेस पे RC50। ये एक्टर रामचरण की आने वाली मोस्ट अवेटेड फिल्म है जो कि एक पॉलिटिकल एक्शन थ्रिलर फिल्म होने वाली है। जिस फिल्म का बजट 180 करोड़ होने वाला है। जी हां, इस फिल्म को डायरेक्शन दे रहे हैं एस शंकर की फिल्म है तो फिल्म तो बड़ी होगी। ये फिल्म हम सभी को रामचरण, KR आडवाणी, SJ सूर्या, सुनील, अंजलि और काफी सारे एक्टर दिखाई देने वाले हैं और ये फिल्म 2023 के मौके पर आने वाली है। इस फिल्म में म्यूजिक दे रहे हैं S. Thaman और इस फिल्म में रामचरण डबल रोल में दिखाई देने वाले हैं। नंबर 40 प्लेस पे हरिहरा वीरमल्लु। ये फिल्म एक पीरियड एक्शन एडवेंचर फिल्म होने वाली है जिस फिल्म को लगभग 200 करोड़ के भारी बजट पर बनाए जा रहे हैं। ये फिल्म भी एक पैन इंडियन फिल्म होने वाली है। वैसे इस फिल्म की कहानी कोहिनूर हीरे के इर्द गिर्द घूमते हुए दिखाई देने वाली है। फिल्म में हम सभी को पवन कल्याण, निधि अग्रवाल, अर्जुन रामपाल और नरगिस फकरी दिखाई देने वाली है। फिल्म को डायरेक्शन दे रहे क्रिस जगरलामुड़ी और ये फिल्म 2023 तक आने वाली है। नंबर 30 प्लेस पे थलापति 67। ये फिल्म भी एक बड़े बजट की पैन इंडियन फिल्म होने वाली है जिसको कैथी और विक्रम जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों के डायरेक्टर लोकेश कनगराज डायरेक्शन देने वाले हैं। इस फिल्म की शूटिंग इसी साल से शुरू हो जाएगी और ये फिल्म एक गैंगस्टर एक्शन ड्रामा फिल्म होने वाली है। इस फिल्म में हम सभी को विजय लीड रोल में दिखाई देने वाले हैं और इस फिल्म में विजय एक गैंगस्टर के रोल में दिखाई देने वाले हैं। विजय के अलावा इस फिल्म में हम सभी को संजय दत्त, त्रिशा, अर्जुन दास, योगी बाबू और पृथ्वीराज सुकुमारन जैसे कमाल के एक्टर इस फिल्म में हम सभी को दिखाई देने वाले हैं और ये फिल्म भी 2023 के एंडिंग तक आने वाली है। नंबर 12 प्लेस पे इंडियन टू 1996 की ब्लॉकबस्टर फिल्म और काफी कमाल की फिल्म इंडियन का सीक्वल होने वाला है। इंडियन टू एक विजिलांटी एक्शन फिल्म होने वाली है जिस फिल्म को 200 करोड़ के भारी बजट पर बनाया जा रहा है और इस फिल्म की शूटिंग फाइनली फिर से स्टार्ट हो चुकी है। जैन फिल्म की शूटिंग स्टार्ट हो चुकी है। फिल्म में हम सभी को कमल हसन के अलावा गुलशन ग्रोवर, सिद्धार्थ, काजल अग्रवाल, रकुलप्रीत सिंह और प्रिया भवानी शंकर दिखाई देने वाली है और काफी सारे एक्टर सपोर्टिंग रोल्स में दिखाई देंगे और ये बड़ी फिल्म भी 2023 में आने वाली है। नंबर 11 प्लेस पे है जवान शाहरुख खान की आने वाली एक पैन इंडिया एक्शन थ्रिलर फिल्म होने वाली है जिस फिल्म का बजट 200 करोड़ प्लस होने वाला है। इस फिल्म को एटली कुमार डायरेक्शन दे रहे हैं जो कि थैरी, मर्सल और बिगिल जैसी सुपर हिट फिल्में बना चुके हैं। वैसे इस फिल्म में हम सभी को शाहरुख खान, नयनतारा और विजय सेतुपति लीड रोल में दिखाई देने वाले हैं। इस फिल्म में विजय सेतुपति नेगेटिव रोल में दिखाई देने वाले हैं, मजेदार, और ये फिल्म में शाहरुख खान डबल रोल में दिखाई देने वाले हैं और भी मजेदार। इस फिल्म को 2 जून को रिलीज करने वाले हैं 2023 के मौके पर। फिल्म को प्रोड्यूस करी है गौरी खान और ये फिल्म रेड चिली एंटरटेनमेंट के बैनर तले बन रही है। नंबर 10 प्लेस पे फाइटर इंडियन सिनेमा की आने वाली पहली एरियल एक्शन थ्रिलर फिल्म होने वाली है जिस फिल्म को 250 करोड़ के भारी बजट पर बनाए जा रहे हैं। इस फिल्म में हम सभी को ऋतिक रोशन, दीपिका पादुकोण और अनिल कपूर दिखाई देने वाले हैं। इस फिल्म को डायरेक्शन देने वाले सिद्धार्थ आनंद जो कि अपनी दमदार एक्शन फिल्मों के लिए जाने आते हैं, तो देखते हैं इस फिल्म का एक्शन कैसा होता है। इस फिल्म को 28 सितंबर को रिलीज करने वाले हैं 2023 के मौके पर और ये फिल्म भी पैन इंडिया लेवल पर रिलीज होने वाली है। नंबर 9 प्लेस पे पठान 250 करोड़ के बजट पर बनी एक बड़ी एक्शन थ्रिलर फिल्म होने वाली है जिस फिल्म को सिद्धार्थ आनंद डायरेक्शन दिए हैं। ये फिल्म में हम सभी को शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम लीड रोल में दिखाई देने वाले हैं। ये फिल्म एक बहुत ही बड़ी एक्शन फिल्म है और फिल्म में हम सभी को कुछ ऐसा एक्शन देखने मिलेगा जो कि हम सब इंडियन सिनेमा में अभी तक नहीं देखे हैं, ऐसा इस फिल्म के डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद कह चुके हैं। तो देखते हैं ये फिल्म कैसी होती है। इस फिल्म को 25 जनवरी को रिलीज करने वाले हैं 2023 के मौके पर। इसके लिए थोड़ा सा इंतजार कीजिए, जल्दी मिलते हैं पठान से। नंबर 8 पे बड़ी मियां छोटे मियां।
ये फिल्म एक पैन इंडिया एक्शन थ्रिलर फिल्म होने वाली है, जिस फिल्म में हम सभी को अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ दिखाई देने वाले हैं लीड रोल्स में। इस एक्शन फिल्म को 300 करोड़ की बजट पर बनाया जा रहा है और फिल्म को काफ़ी बड़ी स्केल पर शूट किया जाएगा। इस फिल्म को डायरेक्शन देने वाले हैं अली अब्बास जफर और ये फिल्म 2023 नहीं तो 2024 तक ये फिल्म आने वाली है। Let the beat drop. नंबर 7 पे सूर्या 42। सूर्या 42 कमाल के एक्टर सूर्या की आने वाली सबसे बड़ी फिल्म होने वाली है और ये इनकी 42वीं फिल्म होने वाली है, जिसका रिसेंटली एक मोशन पोस्टर आउट हो चुका है जो कि आप सभी लोग देख सकते हो, जो कि देखने में बहुत ही धमाकेदार लग रहा है। ये फिल्म एक पीरियड एक्शन ड्रामा फिल्म होने वाली है जो फिल्म 2 पार्ट में आएगी। इस फिल्म को 10 भाषाओं में एक साथ रिलीज करने वाले हैं। जी हाँ, ये फिल्म हिंदी में भी आने वाली है। फिल्म में हम सभी को सूर्या के साथ दिशा पटानी लीड रोल्स में दिखाई देने वाली है। इस फिल्म को काफ़ी बड़ी स्केल पर बनाने वाले हैं और फिल्म का बजट भी काफ़ी ज़्यादा होने वाला है। फिल्म में म्यूजिक और BGM DSP का होने वाला है, जो कि मोशन पोस्टर में सुनने में बहुत ही सही लग रहा है। फिल्म को डायरेक्शन देने वाले हैं शिवा और ये फिल्म का पार्ट 1 2023 नहीं तो 2024 तक आ सकते हैं। नंबर 6 पे NTR 30 जूनियर NTR के आने वाली एक बड़ी एक्शन ड्रामा फिल्म होने वाली है, जिस फिल्म को पैन इंडिया स्केल पर रिलीज करने वाले हैं RRR की तरह। इस फिल्म का कुछ ही महीने पहले एक छोटा सा टीजर भी रिलीज हो चुका है, जिसको दर्शकों से काफी शानदार रिस्पॉन्स मिला था। NTR 30 फिल्म में हम सभी को NTR लीड रोल्स में दिखाई देने वाले हैं और NTR 30 को 300 करोड़ की भारी बजट पर बनाने वाले हैं। फिल्म को डायरेक्शन देने वाले हैं कोरटाला शिवाय और फिल्म में म्यूजिक और BGM अनिरुद्ध का होने वाला है, जिनका BGM आप सभी को पता है नेक्स्ट लेवल का होता है और ये फिल्म 2023 तक आने वाली है। नंबर 5 प्लेस पे Tiger 3। Tiger 3 हिंदी सिनेमा की ब्लॉकबस्टर सीरीज टाइगर का थर्ड इंस्टॉलमेंट होने वाला है। Tiger 3 एक बड़ी एक्शन फिल्म होने वाली है, जिसको 350 करोड़ के हाई बजट पर बनाया गया है। वैसे टाइगर जिंदा है का बजट 210 करोड़ था और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर 565 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन की थी, तो Tiger 3 भी इतना दमदार कलेक्शन कर पाएगी? आप सभी को लिखकर कमेंट सेक्शन में बताना है यस और नो करके। फिल्म में हम सभी को सलमान खान, कैटरीना कैफ प्लस इमरान हाशमी दिखाई देने वाले हैं। डायरेक्शन दिए मनीष शर्मा और ये फिल्म 21 अप्रैल को आने वाली है 2023 के मौके पर। नंबर 4 पे सलार इंडियन सिनेमा से आने वाली एक बड़ी पैन इंडिया फिल्म होने वाली है, जिसके लिए सभी काफी बेताब हैं, क्योंकि इस फिल्म को डायरेक्शन दे रहे हैं प्रशांत नील और ये फिल्म प्रशांत नील की KGF यूनिवर्स की फिल्म होने वाली है। इसीलिए ऑडियंस इस फिल्म के लिए पगलाए हुए हैं, प्लस मैं भी इस फिल्म के लिए पगलाया हुआ हूँ। भाई साहब जल्दी आ जा, मुझे देखना है इस फिल्म को। ये फिल्म एक आउट एंड आउट एक्शन थ्रिलर फिल्म होने वाली है, जिस फिल्म को 400 करोड़ के बजट पर बनाए जा रहे हैं और मेकर्स ऐसा खुद कंफर्म कर चुके हैं कि इस फिल्म का बजट 400 करोड़ होने वाला है। वैसे KGF 1 का बजट 80 करोड़ था, KGF 2 का बजट 100 करोड़ था और दोनों फिल्में इतनी बढ़िया बनी थी इतने ही बजट पर, तो देखते हैं ये फिल्म कैसी होती है। वैसे सुनने हम सभी को प्रभास के साथ श्रुति हसन, पृथ्वीराज सुकुमारन और जगपति बाबू जैसे कमाल के एक्टर दिखाई देने वाले हैं और ये फिल्म 28 सितंबर को आने वाली है 2023 के मौके पर। नंबर 3 पे पुष्पा 2 द रोल। पुष्पा 2 2021 की सबसे बड़ी हिट फिल्म पुष्पा का सीक्वल होने वाला है। पुष्पा फिल्म का बजट 170 करोड़ था, वहीं पुष्पा पार्ट 2 का बजट 400 करोड़ प्लस होने वाला है, यानी ये एक बहुत ही बड़ी फिल्म होने वाली है। फिल्म में हम सभी को पार्ट 1 के एक्टर दिखाई देने वाले हैं और कुछ नए कलाकार भी इस फिल्म में हम सभी को दिखाई देंगे। डायरेक्शन देने वाले हैं सुकुमार और इस फिल्म की शूटिंग इसी महीने से फिल्म की शूटिंग स्टार्ट हो जाएगी फाइनली और ये फिल्म 2023 के एंडिंग तक आने वाली है। नंबर 2 प्लेस पे है आदिपुरुष। आदिपुरुष इंडियन सिनेमा की आने वाली मोस्ट अवेटेड पैन इंडिया फिल्म है और बहुत ही बड़ी पैन इंडिया फिल्म है, जिस फिल्म की कहानी एपिक रामायण पर भी होने वाली है। इस फिल्म का बजट आप सभी को बताएं 500 करोड़ प्लस होने वाला है और इस फिल्म को काफ़ी बड़े लेवल पर तैयार किया गया है। फिल्म में हम सभी को प्रभास, कृति सनन, सैफ अली खान, सनी सिंह और देवदत्त नागी दिखाई देने वाले हैं। इस फिल्म को डायरेक्शन दिए हैं ओम राउत और ये फिल्म 12 जनवरी को आने वाली है 2023 के मौके पर। और बड़ी खुशखबरी ये है कि इस फिल्म का टीजर 3 अक्टूबर को आने वाला है। जी हाँ, इस फिल्म का टीजर 3 अक्टूबर को आने वाला है।
नंबर वन प्लेस पे है प्रोजेक्ट के। प्रोजेक्ट के इंडियन सिनेमा की आने वाली सबसे महंगी फिल्म होने वाली है, जिस फिल्म का बजट लगभग 600 करोड़ बताया जा रहा है। और ये फिल्म पैन वर्ल्ड रिलीज होने वाली है, जहां इस फिल्म को हिंदी के साथ साथ तेलुगु, तमिल, कन्नड़ा, मलयालम और कई और भाषाओं में रिलीज करने वाले हैं। ये फिल्म एक साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म होने वाली है, जिस फिल्म को डायरेक्शन दे रहे हैं नाग अश्विन, जो कि महानदी जैसी बहुत ही अच्छी फिल्म बना चुके हैं। तो देखते हैं ये फिल्म कैसी होती है। फिल्म में हम सभी को प्रभास, अमिताभ बच्चन जी, दीपिका पादुकोण और दिशा पटानी दिखाई देने वाली है। और ये फिल्म 2023 के एंडिंग नहीं तो 2024 तक आने वाली है, बड़ी लेवल पर इस फिल्म को रिलीज करने वाले हैं। रिसेंटली इस फिल्म के प्रोड्यूसर अश्विनी दत्त कंफर्म कर चुके हैं कि इस फिल्म की शूटिंग 55% कंप्लीट हो चुकी है। तो ये थी इंडियन सिनेमा से आने वाली 15 बड़ी बिग बजट पैन इंडिया फिल्में। तो आप सभी लोग कौन से फिल्म के लिए वेट कर रहे हो, आप सभी को लिखकर बताना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए।